Hello everyone, welcome to my channel. This is me, Rashmi. आज हम लोग शकील बदायूनी जी द्वारा रचित एक बहुत सुंदर कविता दादी अम्मा पढ़ने वाले हैं. इस कविता को अक्सर हम लोग बचपन में किसी न किसी रूप में सुने होते हैं. आज हम बच्चों की बहुत ही प्यारी सुंदर सी कविता दादी अम्मा को पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. देखिए, ये एक बहुत सुंदर गीत के रूप में दिया गया है. इसमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्द तो है नहीं, इसे केवल हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, देखिए. दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी यह गुस्सा चेहरा, हंस के दिखाओ. तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि दादी अम्मा जो है वो बहुत गुस्सा हो गई हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं. छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो. खाली पी ली अपना कलेजा ना जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ. दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे. चाहे हमें मारो चाहे धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ. तो दादी अम्मा जो बहुत ही गुस्सा हो गई हैं किसी बात पर बच्चे से, बच्चे उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपने हाथों से उन्हें खिला कर रहेंगे, चाहे दादी उन्हें कितना भी डांटे, कितना भी मारे या कितना भी धमकाए. तो बच्चे यहाँ पर दादी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं. कहो तो तुम्हारी हम चंपी कर दें, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे. हंसी ना छुपाओ जरा आंख तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ. तो बच्चे और किस किस तरीके से दादी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं. कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चंपी भी कर देंगे, तुम्हारा हुक्का भी भर देंगे. तो दादी यहाँ पर क्या कर रही है, धीरे धीरे मुस्कुराने लगी. और बच्चे ये बात देख रहे हैं कि दादी धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, तो वो दादी से कहते भी हैं कि दादी तुम मुस्कुरा रही हो, उसे दिखाओ, छुपाओ मत. दादी अम्मा तुम मान जाओ. और दादी मान नहीं रही है, तो फिर बच्चे क्या कहते हैं, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ. अच्छी सी कहानी कोई हमें तो सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ. तो आखिर में बच्चे जो है वो दादी से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें गला लगा लो और दिल में अपनी कोई भी बात मत रख और हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाओ. तो इस तरीके से वे दादी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और आखिर में दादी क्या है, मान जाती है. ये एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी कविता है जिसमें विशेष कुछ समझने के लिए है नहीं, केवल ये एक प्यारा सा गीत है जिसे आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं. परंतु इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हमें अवश्य देखना होगा. तो आइए एक बार हम उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं. तो कुछ संक्षेप में जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, आइए पहले हम इन्हें देख लेते हैं. तो पहला प्रश्न, कविता में कौन किसको मना रहा है. जैसा कि हमने कविता को पढ़ा तो आप ये जानते हैं कि कविता में कौन किसको मना रहा है. कविता में बच्चे जो हैं वो दादी को मना रहे हैं. दूसरा प्रश्न, गुस्सा शांत करने के लिए क्या करने को कहा गया है. तो उत्तर देखिए, गुस्सा शांत करने के लिए दादी को ठंडा पानी पीने के लिए कहा गया है. बच्चे कहते हैं ना, ठंडा पानी पी लो. यही बात है कि गुस्सा शांत करने के लिए ठंडा पानी पीने को कहा गया है. ये आगे के प्रश्नों को देखते हैं. गुस्से में दादी अपना क्या जला रही है. सर, गुस्से में दादी अपना कलेजा जला रही है. बहुत गुस्से में है दादी बच्चों से, इसीलिए वो गुस्से में क्या कर रही है, अपना ही कलेजा जला रही है. बच्चों के मनाने पर दादी क्या छुपा रही है. तो देखिए, बच्चों के मनाने पर दादी अपनी
हंसी छुपा रही हैं। धीरे धीरे दादी मुस्कुरा भी रही है। बच्चे उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस हंसी को वे छुपाने का प्रयास भी करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो मनाने पर, बच्चों के मनाने पर दादी अपनी हंसी को छुपा रही हैं। दादी से बच्चे क्या माफ और क्या साफ करने के लिए कह रहे हैं? तो देखिए, दादी से बच्चे अपनी भूलों को माफ और एवं दिल को साफ करने के लिए कह रहे हैं। आखिरी पंक्ति में कहते हैं ना बच्चे कि जो भूल हुई है उसे माफ करो, अपने दिल को साफ करो। तो भूलों को माफ करने एवं दिल को साफ करने के लिए कहा गया है। कविता के कवि कौन है? तो कविता के कवि हैं शकील बदायूनी। ठीक है, ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि कविताकार हैं, बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं और उन्हीं की ये सुंदर सी रचना है जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दादी अम्मा। ये कुछ बड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कविता की किन पंक्तियों में बच्चों ने दादी माँ को नसीहत दी है? देखिए, पंक्ति दे दी गई है कि छोटी छोटी बातों पर ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा ना जलाओ। ये पंक्ति है, देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उदाहरण चिन्ह के बीच में है। तो इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो दादी माँ को नसीहत दे रहे हैं कि अगर गुस्सा ज़्यादा हो गया है तो ठंडा पानी पी लो। छोटी छोटी बातों पर तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि गुस्सा ज़्यादा हो गया है तो ठंडा पानी पी लिया करो, बिना मतलब के बेकार में अपना कलेजा मत जलाओ। ठीक है, ये नसीहत है बच्चों की तरफ से दादी माँ। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों ने क्या करने की मन में ठानी है और इसके लिए वे क्या करने को तैयार हैं? बच्चों ने रूठी दादी माँ को मनाने की ठानी है और इसके लिए वे दादी को खाना खिलाने के साथ ही, ठीक है, खाना खिलाने के साथ ही साथ यहाँ पर ये होगा, खाना खिलाने के साथ ही साथ उनकी चंपी करने तक को तैयार हैं। वे दादी माँ की चंपी तक को करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, खाना भी खिलाएंगे और चंपी भी कर देंगे, बस दादी माँ एक बार मान जाए। बच्चों ने कौन सा प्रण लिया है? तो देखिए, बच्चों ने दादी को मनाने का प्रण लिया है। और उसके बाद देखिए, अंत में बच्चे दादी को मनाने के लिए कौन सी प्रार्थना करते हैं? तो देखिए, अंत में बच्चे दादी माँ को मनाने के लिए उनसे अपनी भूलों को माफ करने एवं दिल को साफ करने की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा इन प्रश्नों को देखिए, विकल्प वाले प्रश्न हैं कि यदि दादी रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर खुद भी रूठ जाना चाहिए या उनके रूठने का कारण पूछकर उन्हें प्यार से मना लेना चाहिए? ये एक प्रश्न है और उसके तीन विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। जो इनमें से सबसे अच्छा विकल्प हो, उचित विकल्प हो, उसे आपको बताना है। तो इसका उत्तर तो आप सभी जान सकते हैं कि यदि दादी माँ रूठ जाए तो क्या करना चाहिए, उनके रूठने का कारण पूछकर उन्हें प्यार से मना लेना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प सही है, ग नंबर जो है वो सही है। बाद दूसरा देखिए, बच्चों ने गीत गाया, क्यों गीत गाया? उन्हें दादी माँ को दादी गीत सुनना चाहती थी, या दूसरा दादी गुस्से में थी, दादी हंसना चाहती थी, या दादी चुप थी? इनमें से ये चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा? तो दादी क्या थी? गुस्से में थी और बच्चे उन्हें मनाने के लिए जो है गीत सुना रहे थे, इसीलिए ये ख नंबर जो विकल्प है वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए, तो चार नंबर,
दादी अम्मा के गुस्से से डर कर तुमने शब्दों के वर्ण उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं, उन्हें सही क्रम में जल्द लिखो। ये कुछ शब्द हैं, ये कविता में से ही दिए गए हैं, इन्हें उल्टा फुल्टा कर दिया गया है, ठीक है, गलत तरीके से लिख दिया गया है, इसे सही करना है। पहला शब्द क्या होगा, यदि आप पहले शब्द को ध्यान से देखें तो पहला शब्द है दादी अम्मा, ठीक है। दूसरा शब्द है हमकाओ, तीसरा शब्द है आनी, ठीक। चौथा शब्द है कलेजा, पांचवा शब्द उक्का, और आखिरी का शब्द है तुम्हारी। ये कुछ शब्द हैं जो उल्टे फुल्टे लिख दिए गए हैं, जिसे यहाँ पर मैंने सही कर दिया है, आप भी इसे सही, तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। यह कविता एक बहुत ही सरल कविता है, जिसमें बहुत ही सुंदर भाव है, गीत है, लय है, जिसके माध्यम से इस कविता को बतलाया गया है। आशा है आपको यह जरूर अच्छा लगा होगा और आपको यह समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।